अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं और ये चैप्टर है ट्रांसपोर्ट के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हमने जब चैप्टर नंबर 1 में लाइफ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने बात की थी कि लाइफ इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हर सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इन केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इन रॉ मटेरियल्स को हम न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। और इन रिएक्शंस के दौरान जो गैर ज़रूरी चीज़ें पैदा होती हैं उनको हम वेस्ट्स कहते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए, सेल तक पहुंचाने के लिए, सप्लाई करने के लिए आपको कोई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए जो चीज़ों को सेल तक लेके आए, और वेस्ट मटेरियल्स को सेल से रिमूव करने के लिए भी आपको कोई ना कोई जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए। अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ही इस काम के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वाज़े इलेबरेट केमिकल सॉरी इलेबरेट मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी, यानी कि मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सब्सटेंसेस की बल्क मूवमेंट में ये मैकेनिज्म्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले के जाने में हेल्प करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके अंदर आपको पता है, मिसाल के तौर पे आपके पास अमीबा है, तो अमीबा के अंदर ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल सेल ही तमाम लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। अब इसके अंदर जो है इसकी बॉडी, आपको पता है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि सेमी परमिएबल होती है, और ये मेम्ब्रेन जो है ये सारे जो है सब्सटेंसेस को, कौन कौन से सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा कौन से सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकालना है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही होती है। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है। इसके मुकाबले में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, अब एक चीज़ आप ये भी यहाँ पे नोट कर लें कि ये जो मसलन अमीबा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये पानी के अंदर रह रहा है। अब यहाँ पे पानी के अंदर जो है डिफरेंट साल्ट्स वगैरह मौजूद होंगे, मसलन सोडियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम वगैरह होगा, इसके अलावा इसके फूड और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, पानी चाहिए सेल को, साल्ट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पानी में मौजूद हैं, और वो पानी में से डायरेक्टली जो है इन चीज़ों को उठा सकता है, इनकी अपटेक कर सकता है। उसके मुकाबले में अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मिसाल के तौर पर ये ट्री है, तो इस ट्री के अंदर जो है कुछ सेल्स तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ इन कॉन्टेक्ट हैं, बाहर से अगर कोई चीज़ इनके काम की मौजूद है तो उसको हासिल कर सकते हैं। उसके मुकाबले में बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स के सोर्स के बिल्कुल करीब मौजूद नहीं होते, बल्कि बहुत दूर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे प्लांट है, तो प्लांट के केस में सारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यहाँ पे सॉइल में मौजूद हैं, और लेकिन ये जो पत्ते हैं ये सॉइल के नज़दीक मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ों को, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली अपने एनवायरमेंट से नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना ज़रूरी है जो इस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को उठाए और फिर किसी तरीके से अपटेक उठाकर, और ये यहाँ पे जो ट्री के टॉप पे जो सेल्स मौजूद हैं लीव्स के अंदर, उनको
उन सेल्स की रिक्वायरमेंट्स को, फिर वो मैकेनिज्म जो है चीजें पूरा करे। तो इस काम के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर प्लांट्स के अंदर जो है वो रूट्स मौजूद हैं, और एनिमल्स के अंदर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ट्रांसपोर्ट के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है, अगर हम सेल की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनके जरिए से चीज़ों की ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसके अंदर कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स भी आते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स भी आते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी ट्रांसपोर्ट की ऐसी टाइप है जिसके अंदर नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि इसको एनर्जी नहीं चाहिए होती, ये खुद ब खुद ही चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसकी एग्जांपल है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन आप जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। और इसी तरह मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो है, ये दोनों हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट खुद ब खुद होती रहती है और इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती, और इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके मुकाबले में एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें चीज़ों को एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाया जाता है, यानी कि जहाँ पे चीज़ें कम मौजूद हैं वहाँ से उठा के जहाँ पे ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है उस तरफ चीज़ों को मूव किया जाता है। अब इस काम के लिए फिर इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये एनर्जी आती है एटीपी से। एटीपी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल्स की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट में एनर्जी की प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक और जो तरीका कार है मूवमेंट का, वो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है और इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और इसी तरह कुछ सब्सटेंसेस जब सेल से बाहर जाने लगते हैं तो वो एक्सोसाइटोसिस का सहारा लेते हैं, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होती है, और इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 में एंडोसाइटोसिस की और एक्सोसाइटोसिस की पढ़ चुके हैं। आगे भी इस चैप्टर में हम इनको दोबारा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आज के लेक्चर में ज़रा डिटेल में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की। और प्लांट्स जो हैं वो आपको पता है सेसाइल होते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह आमतौर पर मूव नहीं कर सकते, तो ये जो हैं ज़मीन के अंदर जड़े हुए होते हैं, और ज़मीन के अंदर इनको गाड़े रखने के लिए इनकी जो रूट्स हैं जड़े हैं ये ना सिर्फ एंकरेज के लिए यानी कि ज़मीन में इनको खड़ा रखने में हेल्प करती हैं, बल्कि रूट जो हैं ये ऑर्गन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हैं। और ये रूट्स जो हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जितनी भी चीज़ें प्लांट्स को चाहिए उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। प्लांट्स को अपनी एनवायरनमेंट से मेनली तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, और ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अपनी एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, और उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि ग्लूकोज वगैरह खुद ब खुद बना सकते हैं। तो कौन से तीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट को चाहिए होती हैं? पहले नंबर पे तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स लीव्स के जरिए से जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लांट्स को जो चाहिए होती हैं, नंबर एक वाटर है और नंबर दो मिनरल्स हैं, और ये मिनरल्स जो हैं ये प्लांट्स रूट्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, और सॉइल से फिर प्लांट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये इस जगह का क्रॉस सेक्शन आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे दिखाया हुआ है। रूट के टिप्स के ऊपर ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं, और ये रूट हेयर जो हैं ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर रूट्स के ज़रिए से ये चीज़ें स्टेम में पहुँचती हैं, और स्टेम में लीव्स, स्टेम के थ्रू लीव्स तक
और फिर लीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करती हैं। अब प्लांट्स जो हैं ये आपको पता है कि काफी एक्सटेंसिव सिस्टम होता है, बहुत ज्यादा जो है जड़ें फैली हुई होती हैं मट्टी के अंदर, और बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होती हैं। और इस ब्रांच्ड सरफेस का फायदा क्या होता है? इस ब्रांच सरफेस का फायदा ये होता है कि इसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो प्लांट का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इस लार्ज सरफेस एरिया से फिर प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसके अलावा जड़ों को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको इस तरह से, जिस तरह ये इस राइट साइड में तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे से हेयर लाइक, बहुत ही फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को मैंने आपको बताया कि रूट हेयर कहते हैं, और ये रूट हेयर एक्चुअली ये यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल है उससे ये रूट हेयर जो है ये बाहर को एक्सटेंड हुआ हुआ है, उसकी एक्सटेंशन है। और इसका काम जो है ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का। अगर आप रूट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम जो है क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है रूट के स्ट्रक्चर का। तो सबसे बाहर जो है रूट के आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसको हम एपीडर्मिस कहते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर वाला, और डर्म स्किन को कहते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल्स की, ये जो डार्क ब्राउन कलर में आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स हैं। और एपिडर्मल सेल्स जो हैं इनके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाज जगह पे छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ये बड़े बड़े से येलो कलर के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एरिया कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। इसके बाद जो है कॉर्टेक्स के अंदर सबसे इनर मोस्ट एक यहाँ पे सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, और उसके इस ये जो है इस यहाँ पे जाइलम टिश्यू आपको नजर आ रहा है। जाइलम टिश्यू के बाहर जो है कुछ सेल्स की लेयर्स होती हैं। यहाँ पे आपको सेल्स, ये एक दायरे में सेल्स नजर आ रहे हैं जिनको हम एंडोडर्मिस या एंडो कहते हैं इनसाइड को, और डर्म कहते हैं स्किन को। तो ये इनर प्रोटेक्टिव लेयर है जो जाइलम के को कवर किया हुआ होता है, और उसके अंदर फिर ये वाटर कंडक्शन के लिए जाइलम मौजूद है, और ये स्टार शेप्ड जाइलम होती है। कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्लांट ये रूट के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ये जो एंडोडर्मिस के सेल्स हैं अगर इनको आप गौर से देखें तो इनके ऊपर ये जिस तरह यहाँ पे आपको ब्राउन कलर में ये जो है एक स्ट्रिप नजर आ रही है, ये स्ट्रिप एक्चुअली वैक्स की या लिपिड्स की बनी हुई है, और ये वाटर इम्परमिएबल होती है, ये पानी को इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होने देती। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जो प्लांट के सेल्स में, रूट के सेल्स में पाया जाता है वो ये है कि यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इन सेल्स के दरमियान में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े से सुराख हैं दोनों सेल्स की दीवारों के अंदर, और इनको हम प्लाज्मो डेस्मेटा कहते हैं। और ये प्लाज्मो डेस्मेटा जो है ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, वाटर और सब्सटेंसेस को एक सेल से दूसरे सेल तक फ्लो करते रहने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब प्लांट को मैंने बात की कि जी दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो पानी चाहिए और दूसरा साल्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो पानी जो है वो प्लांट्स के अंदर एंटर होता है वाया ऑस्मोसिस, और हमने बात की कि ऑस्मोसिस जो है इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, यानी कि जिस जगह पे पानी ज्यादा है वहां से कम पानी वाली जगह पे वाटर मूव करता है, और बीच में जो है दरमियान में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अगर पानी सेल्स के अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये मिसाल के तौर पे आपको जो है यहाँ पे सेल वॉल दिखाई हुई है ये ब्राउन कलर में, और इससे नीचे जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है, मिसाल के तौर पे ये जो है सॉइल है,
और ये साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म नीचे की तरफ आपको दिखाया जा रहा है। तो अगर सॉइल के अंदर पानी ज्यादा मिकदार में मौजूद होगा तो क्या होगा कि वाटर जो है वो सॉइल से मूव करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और जो है सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। अगर पानी सेल्स के अंदर की तरफ जा रहा हो तो इसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। एंडो मैंने आपको बताया पहले कि ये अंदर इनसाइड, एंड का मतलब, एंडो का मतलब इनसाइड होता है, एंडोस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल्स। इसके मुकाबले में अगर पानी सेल से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा हो तो इसको हम एग्जोस्मोसिस भी कहते हैं। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा कि इट अलाउज सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव आउटसाइड व्हाइल प्रिवेंट्स अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम मूविंग। कुछ सब्सटेंसेस को ये मूव करने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को ये मूव नहीं करने देती। और हम ये भी जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड्स की बनी हुई होती है, यानी कि नॉन पोलर होती है। तो ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस को तो फ्लो करने देती है लेकिन पोलर सब्सटेंसेस को आमतौर पे फ्लो नहीं करने देती। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो वाटर के लिए फ्रीली परमिएबल है। अब आप कहेंगे कि जी वाटर तो पोलर सब्सटेंस है, उसके मुकाबले में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन पोलर है, तो ये नॉन पोलर सब्सटेंस को कैसे क्रॉस करेगी, फ्रीली परमिएबल कैसे है? तो पानी की मूवमेंट जो है वो क्योंकि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सेल ने क्या किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल चैनल्स होती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं और इनके जरिए से दरवाजे बने हुए होते हैं। और गरचे वाटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है इन चैनल्स के थ्रू वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो सेल के अंदर एंटर होता रहता है। तो अगर सॉइल के अंदर वाटर मौजूद है तो वहां से बड़ी आसानी के साथ वाटर मूव करके सेल के अंदर आता रहेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दूसरे सब्सटेंसेस को तो वो रोकती है लेकिन वाटर को आमतौर पर नहीं रोकती। बिना पूछ गछ वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रूट्स के अंदर वाटर की मूवमेंट के लिए तीन रास्ते हैं, तीन पाथवेज हैं। पहला रास्ता जो है इसको हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। सिम का मतलब होता है टुगेदर और प्लास्ट यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट के लिए है, और प्रोटोप्लास्ट जो है ये इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। और या इसको आप कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म को इंडिकेट करता है। तो पानी जो है जब मूव करता है, अगर ये साइटोप्लाज्म के थ्रू पानी मूव कर रहा हो तो इसको हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि ये इंट्रा सेलुलर रूट है, सेल के अंदर से पानी जो है गुजरता है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में जो लाइन नजर आ रही है ये सिम्प्लास्ट पाथवे को शो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। इसके अलावा ये आउटर मोस्ट जो है ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के अंदर आपको एक रूट हेयर जो है लंबा सा यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो एपिडर्मल सेल की एक एक्सटेंशन है। अब क्या है कि यहाँ पे सॉइल मौजूद है और सॉइल के अंदर जो है वो पानी है, और ये पानी जो है इसको रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है और ये फिर पानी फ्लो करता है एपिडर्मल सेल से, मूव करता है प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से, जो सुराख है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनके जरिए से मूव करता है, कॉर्टेक्स के सेल्स में आता है, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ फ्लो करता है और अल्टीमेटली एंडोडर्मिस में आता है। एंडोडर्मिस से फिर ये पेरिसाइकल, ये जो नीचे लेयर है एंडोडर्मिस से नीचे एक लेयर होती है सेल्स की जिसको पेरिसाइकल कहते हैं, तो ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में आता है और पेरिसाइकल से अल्टीमेटली ये जाइलम सेल्स के अंदर पहुंचता है जो कि स्पेशलाइज है वाटर कंडक्शन के लिए, और फिर इनको पुल करके जो है स्टेम के अंदर और वहां से लीव्स की तरफ मूव किया जाता है पानी को। तो सिम्प्लास्ट पाथवे मैंने आपको बताया इंट्रासेलुलर रूट है, और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पानी जो है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव करता करता एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल और पेरिसाइकल से जाइलम के सेल्स तक पहुंच जाता है।
इसके मुकाबले में जो दूसरा रास्ता है, दूसरा रूट है पानी का, वो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है। और एपो कहते हैं अवे को और प्लास्ट कहते हैं, मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म के लिए या प्रोटोप्लास्ट के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये जो रूट है ये साइटोप्लाज्म से दूर दूर ही पानी रहेगा। इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर रूट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आता, बल्कि क्या है कि ये मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर बाहर। ये रेड लाइन में आपको शो किया हुआ है रास्ता इसका, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर बाहर ही मूव करता है, और सेल्स के दरमियान में जो थोड़ी थोड़ी खाली जगह है वहां से मूव करता करता ये एंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है। अब एंडोडर्मिस सेल्स जो हैं, इनके ऊपर हमने बात की थी कि ये एक पट्टी है जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वैक्स की बनी हुई है, और ये पानी को फिर अब मजीद बाहर 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 से, यानी कि सेल वॉल के ऊपर से गुजरने नहीं देती, बल्कि फिर पानी को क्या है कि पानी मजबूरन मूव करता है इनसाइड द एंडोडर्मल सेल्स, सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करता है, और फिर साइटोप्लाज्म के थ्रू पेरिसाइकल और वहां से जाइलम तक पहुंचता है। तो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या हो रहा है, एपोप्लास्ट पाथवे में ये हो रहा है कि पानी डायरेक्टली सेल एपिडर्मल सेल के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि सेल वॉल के साथ साथ से होता हुआ और सेल्स के दरमियान में जगहों से होता हुआ कॉर्टेक्स को क्रॉस करता है और एंडोडर्मिस तक पहुंचता है। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद है जो इसको आगे मूव नहीं करने देती, और मजबूरन पानी को एंडोडर्मिस सेल के अंदर जाना पड़ता है, और वहां से फिर ये अल्टीमेटली जाइलम की तरफ आता है। इसके अलावा पानी की मूवमेंट के लिए एक तीसरा रास्ता भी है जिसको हम वैक्यूलर पाथवे कहते हैं, और ये वैक्यूलर पाथवे जो है ये ज्यादातर आमतौर पे आयंस की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें जो है बजाय इस साइटोप्लाज्म में एंटर होने के, जब ये सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर चीजें साइटोप्लाज्म में एंटर होती हैं, तो साइटोप्लाज्म से ये सेल्स के वैक्यूल के अंदर एंटर होती हैं और वहां पर एक्यूमुलेट होती जाती है, और एक सेल के वैक्यूल से निकल के दूसरे सेल के वैक्यूल में, और दूसरे सेल के वैक्यूल से तीसरे सेल के वैक्यूल में, सॉरी दूसरे सेल के वैक्यूल से तीसरे सेल के वैक्यूल में मूव करती जाती हैं, और इस तरह मूव करती है करते ये अल्टीमेटली जाइलम तक पहुंच जाती है।